हेलो प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीटेट एग्जाम जुलाई 2020 के लिए एमपी टेट वर्ग 3 एग्जाम के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप 15 नंबर लाते हैं आज के वीडियो में तो आप हमें अपना स्कोर कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धा अवस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन करता है, यह परिभाषा किसने दी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन होगा, क्रो एंड क्रो, नोट कर लें। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन करता है, यह परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है, यह एक कथन किसने दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करें सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन होगा, कॉल सनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आंसर जानते हैं तो जल्दी से आप कमेंट करें। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन असत्य, नोट कर लें असत्य, वाक्य को समझ लें पहले अच्छे से। इसके आपको 5 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, सबसे आसान क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी छात्र सही आंसर देंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा या ऑप्शन होगा, नोट कर लें या ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सभी कथन आपके सत्य है, कोई भी कथन असत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे बच्चों सही आंसर क्या होगा। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय में हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सही आंसर क्या होगा। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय में हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन होगा, अरस्तु, नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 4 का ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है स्क्रीन पर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान का जन्म माना जाता है, आधुनिक मनोविज्ञान का जन्म माना जाता है वुडवर्थ, वाटसन, विलियम जेम्स या जेम्स ड्रेवर। क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा, विलियम जेम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर करेंगे, कॉल सनिक शिक्षा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लें एक बार स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉल सनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म किससे मानते हैं, कॉल सनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म किससे मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा, प्लेटो, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आज का क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट करें। केली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है, कमेंट करें सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन होगा, वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, नोट कर ले क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चे, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ई ऑप्शन होगा या ऑप्शन होगा, नोट कर लें। ठीक है, केली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता की है, उपरोक्त कभी सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, इसलिए इसका यह ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, जल्दी से कमेंट करें सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर एट का शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं है, उपरोक्त सभी क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान के, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका यह ऑप्शन होगा। ठीक है, नोट कर ले सभी, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है, बालक की विभिन्न अवस्थाओं का महत्व, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व, पाठ्यक्रम में सुधार, मूल्यांकन की नई विधियां, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 का यह ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट करेंगे। शिक्षा में मनोविज्ञान दृष्टिकोण की शुरुआत की, रूसो ने, प्लेटो ने, गेट्स ने या वाटसन ने। क्वेश्चन नंबर 10 का बच्चों यहाँ पर करेक्ट
करेक्ट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन होगा, नोट कर लें, रूसों ने। शिक्षा में मनोविज्ञान दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की, करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा, रूसों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी क्या है, मानव शिक्षा, मानव व्यवहार, मानव विकास, उपयुक्त सभी। आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा इसका बी ऑप्शन होगा, मानव व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, समानता, अभिप्रेरणा, प्रत्यागमन, भिन्नता। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा बच्चों यानी ई ऑप्शन होगा, सभी। ठीक है, यानी सभी वंशानुक्रम के नियम हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13, सीखने का सही उत्तर क्या है, सीखने का सही उत्तर क्या है, कमेंट करें सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन होगा, नोट कर लें, तथ्य, सूचना, ज्ञान, बोध, प्रज्ञान। नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का बच्चों करेक्ट आंसर होगा आपका बी होगा, नोट कर लें, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है, करेक्ट आंसर होगा आपका शिक्षा मनोविज्ञान, 14 का बी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है स्क्रीन पर, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आंसर जानते हैं जल्दी से आप लोग कमेंट करें। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, मिश्रण विधियों के चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 का यहां पर करेक्ट आंसर होगा या ऑप्शन होगा, ठीक है, उपयुक्त सभी, नोट कर लें, यह ऑप्शन होगा। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, मिश्रण विधियों के चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।